गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। और मेरा नाम है चंदन सिंह चौहान और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो जॉब फिटनेस। और आज है सैटरडे, इस समय पढ़ने बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:25 और मुझे निकलना है अभी फरीदाबाद। और बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। बिल्कुल अंधेरा इस टाइम पे और मुझे जाना है इस टाइम पे फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में कुछ जो डेंटिंग पेंटिंग का काम चला था फरीदाबाद वाले घर पे, शिट वो थोड़ा पेंडिंग बचा हुआ है। घर वाले सारे सो रहे हैं, इसमें बस मम्मी को उठाऊंगा ताकि वो दरवाज़ा बंद कर दें। बाकी मेरा कमरा पूरा मैसअप हो पड़ा है। ये मेरा कैमरे वाला बैग है और ये मेरा ट्राईपोड जिसको बस इसमें डालना है, उसके बाद फरीदाबाद के लिए निकलना है। तो इसको डालते हैं और सीधा फरीदाबाद चलते हैं। यार देखो मैं अभी नीचे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सारा अंधेरा है, मेरा फेस भी नहीं दिखाई देगा ढंग से, ठीक है। मैं थोड़ा लाइट में आने की कोशिश करता हूँ ये यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरी सोसाइटी का बहादुर है, इससे मैं गाड़ी को क्लीन करने में लगा हुआ है सुबह सुबह। देखो गलती से दिख गया इस टाइम पे कि गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ करना ये आराम से गाड़ियाँ साफ़ करता तो अभी ये गाड़ी पर साफ़ कर दे और गाड़ी लेके निकलना है। और अभी मेन टास्क है कि इतना अर्ली मॉर्निंग निकलने के पीछे मुझे सराय कालेखा और आश्रम वाला रोड पकड़ना पड़ता है फरीदाबाद जाने के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर ना DND पे फ्लाईवे का काम चल रहा है, कनेक्टिंग फ्लाईवे का, और इतना रश होता है कि मतलब 1.5 से 2.25 घंटे वहाँ पे सिर्फ जाम जाम में लग जाते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकलूँ ताकि मैं जाम से बच जाऊँ और जाके वहाँ से काम करा के फिर मैं टाइम से निकलूँ। तो बस ये गाड़ी पे इसने कपड़ा मार दिया और बस निकलना ही है। तो भैया अपना गाड़ी लेके निकले थे और अभी पहुँच चुके हैं फेरी फेरल पे। पीछे आनंद विहार से पहले थोड़ा विवेक विहार के पास थोड़ा जाम लग रहा था, तो अपना गाड़ी चल रही है इस समय 50 की स्पीड में, थर्ड गियर में है तो उसको मैं करूँ फोर्थ गियर पे। और पहुँच चुके हैं फेरी फेरल पे। इस समय फेरी फेरल पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक हाईवे वो है उस साइड, एक साइड ये है। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैं पहुँच जाऊँगा 1.25 घंटे में मैं फरीदाबाद पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इस समय गाड़ी अगर मैं ज़्यादा नहीं 50-60 भी चलूँगा तभी मैं आराम से पहुँचूँगा। अदरवाइज बहुत जाम होता है स्पेशली इस तरह काले खां पे, तो वहाँ से क्रॉस करना बहुत टाइम लगता है। और सुबह के 6 बज रहे हैं इस समय और इस समय फेरी फेरल पे भी अच्छा खासा, शायद अभी कैमरे में ना देखी लेकिन मेरे को दूर तक तो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और पीछे विवेक विहार में तो बहुत जाम लगा हुआ था। तो बस गाड़ी चली जा रही है, गाने इन्जॉय करते हुए निकल रहे हैं और 1.25 घंटे में फरीदाबाद पहुँच जाएंगे और फिर सीधा फरीदाबाद पहुँच कर निकलते हैं। ओ नोट नोट है, निकलते हैं फरीदाबाद पहुँच कर मिलते हैं। तो भैया फाइनली फरीदाबाद पहुँच चुके हैं, ठीक है। और अभी गाड़ी से निकलना भी एक चैलेंज है क्योंकि यहाँ पे दीवार है, तो मैं अभी इधर से ऐसे निकल रहा हूँ, इसको करो बंद। और मेरे घर के पास का जो नज़ारा जो है इधर, ये दिखता है खेत और इस सामने दिखेगा तालाब। पहले इसमें खेती होती थी, तब ये तालाब बन गया सारा सारा, ठीक है। गोबर पड़ा है, पन्निया है, तालाब है। तो ये मेरे घर के पास का नज़ारा है, ठीक है। और अभी तो इस गाड़ी में से भी बैग वगैरह मैं निकाल लेता हूँ। तो फाइनली गाड़ी को तो लॉक कर दिया, ठीक है। अभी जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि घर के सारे लोग अभी सो रहे होंगे, अभी कोई उठा नहीं होगा इनमें से, तो लेट्स सी देखते हैं एक बार अगर कोई जगह है या कोई उठाए। ओह तो रेता तो बिखरा पड़ा हुआ है ही ऑलरेडी, लेकिन घर है अभी। अरे हमारे घर की सुमन मैडम, गुड मॉर्निंग सुमन मैडम, कैसी हो तुम? तुम्हें ठंड लग रही, तुम्हें स्कार्फ बांधा हुआ है। और यार अभी देखो पता है क्या, अभी मुँह मुझे फ्रेश नहीं लग रहा। तो हाँ देखो ये हमारी पिंकी मैडम, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है पिंकी मैडम, शक्ल दिखाओ। यह है पिंकी मैडम, मिस नारायण, सत्यनारायण की मुझे मिस नारायण। तो अभी मुँह थोड़ा सा
वो थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहा और मैं गलती से अपना ब्रश और टूथपेस्ट लाना मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। इस कवर को मैं सबसे पहले यहाँ रखता हूँ। बर्द को जुगाड़ क्या है, घर के सामने नीम का पेड़, तो इससे एक दातुन तोड़ दो, वैसे टूटेगी भी नहीं आसानी से। ये थोड़ी दातुन, तो दातुन अपनी टूट चुकी है, ये प्रॉपर दातुन है। बचा हुआ पेंटिंग का काम है, उसको ख़त्म कराना है। बाहर जो रेता पड़ा हुआ है उसको उठवाना है और पेंटर को आज स्पेशली बुला के ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी छुट्टी मारी, तो तभी मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होती है ना, अगर जैसे मैं यहाँ पे कराता हूँ ना, तो पिंकी हो गई या सुमन हो गई ना, उन लोगों को मेरे को चाय ऑफर कर देते हैं। तो ये रही चाय मेरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये रही चाय। और यहाँ पे अभी खड़े थे मिस्टर आलसी मोहनलाल, घर के अंदर घुस गए कमरे के अंदर। और सुमन मैडम तो यहाँ से दिखेगा नहीं, कैमरे में दिखेगा नहीं, वो खाना मतलब खाने में रोटी बना रही है अभी। तो ये रही चाय अपनी, इसको यहाँ पे रखते हैं। और चाय पीने के बाद अभी जो काम पेंडिंग है फिर उस काम को करेंगे, तो अपना चाय पीते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी फाइनली काम ये हुआ है कि दोपहर हो चुकी है, ठीक है, और करीब 12-12:30 बजे का टाइम है। जो पेंटर अंकल थे वो आ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी काम चल रहा है। और मैं दिखा देता हूँ, इस कमरे का जो कलर था पहले डिफरेंट था, अभी इस पर दूसरा कलर चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी अच्छा, इस पर एक कोट और मार दिया क्या अंदर, इस वाले पे एक कोट हो गया, दूसरा अच्छा इस पर दो कोट हो गए। हाँ तो दो कोट में सूखती सेट हो जाएगा, तो इसको दूसरा कोट होगा, दूसरा कोट यूजली हो चुका है और अभी ये सेट हो जाएगा, बस थोड़ा सूख जाएगा ना तो सेट हो जाएगा। पहले से बदल गया कमरे का कलर है ना। ये है पिंकी मैडम, जिनको सुबह देखा था, जिनके घर से चाय मिली थी। हाँ नहीं ना? अरे नहीं, और देखो पता है मेरे यहाँ पे एक डॉग है, इसका नाम है डुग्गी। डुग्गी ये फीमेल लैब्रा है, ठीक है, और ये बिल्कुल ब्रूनो जैसी लगती है, लेकिन ब्रूनो से अलग है, ब्रूनो से बहुत अलग है, नहीं लगती ब्रूनो जैसी। डुग्गी डुग्गी। तो यार अभी तो ये हुआ है कि फरीदाबाद से मैं अपना काम वाम ख़त्म करके मैं वापस आ चुका हूँ DLF, लेकिन अभी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, और अभी सच में बहुत ज़्यादा रश है। अगर देखोगे तो पीछे अभी थोड़ा जाम भी लग रहा था, तो जाम से तो मैं निकल के आ गया। और अभी ये है कि मैंने प्रीति से पूछा था कि अभी खाना क्या बनेगा शाम को, तो उसने मुझे बताया कि यार रोटी सब्जी और दाल चावल। तो मैंने उसको बोला यार सैटरडे है, डू वन थिंग कि ना आज मलाई चाप लेके चलते हैं आज, और रुमाली रोटी खाने के लिए। तो आज लगभग पूरा दिन मेरा आज मेरा पूरा दिन जो है वो फरीदाबाद में निकल गया, लेकिन जिस काम के लिए मैं गया था वो मेरा काम हो गया। जिस कमरे में को मेरे को रीपेंट कराना था वो मेरा कमरा रीपेंट हो गया फिर से, उसका कलर अब लाइट हो गया है, और वो सूखने के बाद उसमें जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो है वो और अच्छा दिखेगा। पहले जो कलर था वो बहुत डार्क था, तो उस डार्क कलर में पेंट का पता ही नहीं लग रहा था। तो अपन पहुँच चुके हैं DLF, और यहाँ पे अपना मलाई चाप वाला, इसको देना है मलाई चाप का ऑर्डर, एक मलाई चाप और 7 रुमाली रोटी। एक फुल मलाई चाप और 7 रुमाली रोटी, ठीक है। तो फाइनली जो अपना ऑर्डर है वो तैयार हो रहा है, 7 रुमाली हैं, ठीक है, एक फुल मलाई चाप और भी चलती है इसमें 7 रुमाली। अच्छा ये भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये इधर भी चलती है और ये इधर भी चलती है। आ रही है तुम्हारी फोटो, आ रही है, कुछ बोल दो, बोल देना, शर्मा के रहे दुकान पे आओ, मलाई चाप खा के जाओ।
और ऐसे भी बोल दो जो इस चैनल से आएगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भाई है थोड़ा सा ना, ही जस्ट सॉ द GoPro फर्स्ट टाइम, सो इज बिट एक्साइटेड कि मतलब कैसे शूट होता है कैसे शूट नहीं होता। ठीक है तो अपना ऑर्डर रेडी हो चुका है, ठीक है अपना इसको लेते हैं और सीधा अपना घर चलते हैं। फाइनली अभी घर तो पहुंच चुके हैं, ठीक है अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। वैबीलाल को मैंने बुलाया सामान लेने के लिए, चलो चलो उसको इधर रख देता हूँ। ये बार बूनी से मिल के आते हैं, बूनी बेचारे से, बूनी बेचारा बहुत उदास है। क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है अकाउंट्स का तो ये बिंदी लगा के तो क्या बना पड़ा है, दिखा दे ऐसे देखो ना, ये देखो ऐसे क्या, ये अकाउंट प्रोजेक्ट। आज हमने एक बात सुनी, बुनी को डांट पड़ी आज, वो कर रहा है मूड़ा काट दिया उसने हमारा, देखो मूड़ा देखो नीचे से सारा घास फूस गुस्से में अंदर बंद कर दिया उसे, सारा निकाल दिया उसका। ये तो गई आज सिया कर रही है यहाँ पे पूजा, लेकिन आज पहले बूनी से भी मिलेंगे हम। बूनी इज मच एक्साइटेड भाई, ओए ये इसकी जगह एक्साइटमेंट। हाँ देख लीजिए, हाँ बूनी, हाँ आज डांट पड़ी हमें, हमें सुना है आज, अरे 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 मेरा मास्क गया, अरे हमने सुना आज आपकी डांट पड़ी बहुत ज़्यादा। बूनी को कैसे तू ऐसे नहीं ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, हाँ चालू है वो और अभी खाना खाएंगे क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और उसके बाद सोना भी है। तो अगर ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। एक्चुअली मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।